हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नीट एम्स जिपमर कंबाइंड एग्ज़ाम 2020 बायोटॉपिक टेस्ट सीरीज नंबर 5 सेकेंड एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में डिस्कस किए जाएंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 91, ये बैक्टीरिया विथ प्लाज्मिड हैविंग ए फॉरेन डीएनए इंसर्टेड एट पीबीयू फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन साइट, ये फर्स्ट कैन ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन, सेकंड कैन ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, थर्ड कैन ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग बोथ टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन, फोर्थ नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जो क्लोनिंग वेक्टर दिया रहता है उसमें 2 रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक साइट हैं, एक एम्पिसिलिन है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये लाइगेट फॉरेन डीएनए एट द बाम एच फर्स्ट साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे, तो उस पर लाइगेट करते हैं तो वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो होती है वो लॉस हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट निकालने के लिए उसको ट्रांसफार्म करते हैं एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे, अपोजिट करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें पीबीयू फर्स्ट और टेस्ट फर्स्ट किस में आएंगे, एम्पिसिलिन मीडियम पे। तो उस पर हम लोग करेंगे तो उस साइट का रेजिस्टेंस लॉस हो जाएगा। तो हम लोग कैन ग्रो किस पे कराएंगे, कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन पे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे कैन ग्रो करेगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ये अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट मीडियम बेसिस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट, हियर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड विथिन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम, किसकी प्रेजेंस में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड विथिन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम, और कौन सी एंजाइम किस है। तो उसमें सेकंड ऑप्शन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 93, इन एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम टू प्रोड्यूस ए क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट इज नोन एज। इस क्वेश्चन में इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम का इनएक्टिवेशन होना, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट देन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट गिव, को जब प्लाज्मिड जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है तब क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में क्या देता है। क्वेश्चन, रेड कलर्ड कॉलोनी, ब्लू कलर्ड कॉलोनी, पिंक कलर्ड कॉलोनी, कलरलेस कॉलोनी, तो ब्लू कलर्ड कॉलोनी देता है। ब्लू कलर्ड कॉलोनी कब देता है, ब्लू कलर्ड कॉलोनी देता है जब प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, जब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड जब इंसर्ट नहीं होता तो कौन सा कलर, ब्लू, BLUU, ब्लू, COLOURED, ब्लू कलर्ड कॉलोनी देता, COLONIES। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हु हैज गॉट द एबिलिटी टू ट्रांसफार्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसेरियस सेल इन एनिमल, जंतुओं में कौन साधारण कोशिकाओं को कैंसर युक्त कोशिकाओं, किसके कारण से रूपांतरण होता है। रेट्रोवायरस, एक रेट्रोवायरस इन एनिमल, उसमें एबिलिटी क्षमता होती है ट्रांसफार्म नॉर्मल सेल किस में चेंज हो जाती है, कैंसेरियस सेल में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, प्लाज्मिड ऑफ ए ट्यूमीफेशियंस हैज बीन मॉडिफाइड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज,
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है यह ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, वेक्टर। प्लाज्मिड क्या होता है? वेक्टर। और यह वेक्टर हुई हैज नो मोर पैथोजेनिक, ये नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट, बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू ये वैरायटी ऑफ प्लांट। कभी कभी ये पैथोजेनिक, तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जो होते हैं ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, वो पैथोजेनिक भी होते हैं, वेक्टर भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप डीएनए, इट इज ट्रीटेड विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ। तो इसमें क्या लेते हैं? डाइवेलेंट लेते हैं। तो डाइवेलेंट कौन होता है? कैल्शियम होता है डाइवेलेंट। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स टू इंटर द होस्ट सेल बाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट कोशिका में किसके द्वारा प्रवेश कराया जाता है? तो हम लोग पहले इसमें तीन स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप को इसमें पहले फर्स्ट आइस पे रखेंगे, देन उसको पहले आइस पे आइस पे फिर हीट देंगे। हीट कितने डिग्री तक? 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। देन आइस पे रखेंगे, तो आइस पे रखने पे ये बैक्टीरिया टू टेक अप टेक कर लेती है अपने अंदर अब द रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो इसमें थर्ड ऑप्शन देखेंगे, इनिशियल एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर फॉलोड बाई हीट देंगे, फिर फाइनली लो टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। व्हेन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेल्स बाय बम्बार्डिंग द होस्ट सेल विथ माइक्रो पार्टिकल्स कंटेनिंग डीएनए कोटिंग अन रिएक्टिव मेटल, दी टेक्निक इज नोन एज। जब डीएनए को कोशिका में बम्बार्डिंग के द्वारा प्रवेश कराया जाता है, जिसके होस्ट कोशिका के सूक्ष्म कण के डीएनए अक्रियशील मेटल से कोटेड हो जाते हैं, तकनीकी कहलाती है। यह कह रहा है वह मेथड बताना है, सुटेबल फॉर प्लांट के लिए होता है। सेल्स आर बम्बार्ड की जाती है विथ हाई वेलोसिटी के थ्रू माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड के बने होते हैं, GOLD गोल्ड आर टंगस्टन, TUNGESTEN टंगस्टन, टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। ये डीएनए जो होते हैं ये गोल्ड या टंगस्टन से कोटेड होते हैं। इन्हें मेथड, उस मेथड को क्या कहते हैं? बायोलिस्टिक्स आर जीन गन कहते हैं, बायोलिस्टिक्स आर जीन गन। तो थर्ड ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। हम लोग ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या वेक्टरलेस मेथड भी होता है, थ्री वेक्टरलेस मेथड हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसमें लिख लीजिए। इसमें डाइवेलेंट कैटायन, DIVALENT डाइवेलेंट कैटायन, CATION कैटायन मेथड, कैटायन मेथड हो जाएगा। और सेकंड क्या होगा? सेकंड जो होगा माइक्रो इंजेक्शन, MICRO माइक्रो INJECTION माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड ओनली एनिमल में होता है, एनिमल में किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं, थर्ड ट्रिक क्या है? जीन गन मेथड, जो प्लांट प्लांट में होता है, प्लांट जीन गन मेथड, जीन गन मेथड, METHOD जीन गन मेथड। और फोर्थ हो जाएगा डिसआर्म, DISARMED डिसआर्म, METHOD डिसआर्म मेथड। डिसआर्म मेथड क्या है? ये विदाउट पैथोजन वेक्टर आर आल्सो यूज इन ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व पुनः संयोजक डीएनए तकनीकी शामिल है। क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? 100 नंबर क्वेश्चन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 7 स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, लेकिन इसमें 3 स्पेसिफिक सीक्वेंस दिए गए हैं।
फर्स्ट क्या है, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का इकट्ठा करना। सेकंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाई किसके द्वारा, आरई के द्वारा। आरई क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर, जिससे काटते हैं। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। फिर उसमें बाद फोर्थ क्या है, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। फाइव क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। फाइव क्या हो जाएगा, कल्चर द होस्ट सेल इन द मीडियम लार्ज स्केल, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट। सेवन्थ हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। तो इसमें तीनों सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, डीएनए कैन बी मेड फ्री फॉर आइसोलेशन बाय ट्रीटिंग सेल विथ इन प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल की बात होगी तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, इसमें जो लाइसोजाइम दिया है ये किसके लिए होता है, लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल के लिए होता है, BACTERIA बैक्टीरिया के लिए। सेलुलेज, सेलुलेज हमेशा प्लांट के लिए होता है और ये प्लांट के लिए पूछ रहा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और काइटिनेज, काइटिनेज किसके लिए होता है, काइटिनेज ये फंगस के, FUNGUS फंगस के लिए होता है। तो 101 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर्स माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।